कहना है साफ साफ कहो। तुम्हारी फालतू की बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। मेरे लिए अब टाइम क्यों होगा आपके पास? अपना सारा टाइम आप उस औचल को जो दे चुके हैं, अपना मन, अपनी सोच, अपने ख्याल, अपने जज्बात, सब कुछ, और अब उसके होते हुए मुझे कुछ क्यों देंगे आप? हाँ? और तो और, अब उसकी बातों में आके आप मुझसे झूठ भी बोलने लगे हैं। चल चल। खबरदार जो आंचल जी के बारे में एक शब्द भी कहा, उनके जैसी लड़की होना बहुत मुश्किल है और खास तौर पर तुम्हारे लिए तो नामुमकिन। और आपके जैसा पति होना भी आसान नहीं है, जो अपनी पत्नी के सामने दूसरी लड़की की तारीफ करे, वो भी उस लड़की की जिसे पत्नी ने अपने पति के साथ उसका हाथ पकड़े देखा हो। प्यार से नहीं थामा आपने, जितने प्यार से आप उसका हाथ पकड़े हुए थे। कितना गलत और घटिया सोचती हो तुम चंचल, अफसोस होता है मुझे तुम्हारी सोच पर। ठीक है, मैं कुछ नहीं सोचती। अब आप मुझे बताइए कि आप उस टीचर के साथ बाजार में क्या कर रहे थे? मेरे बताने पर समझ जाओगे तुम? दूर हो जाएगा तुम्हारा शक? कभी नहीं। तो फिर तुमसे कुछ कहने का फायदा ही क्या है? अफसोस होता है चंचल, अफसोस होता है मुझे यह जानकर कि तुम जया भाभी की छोटी बहन हो। कहां मेरी देवी जैसी भाभी और कहा तुम। अफसोस होता है मुझे यह जानकर कि तुम जया भाभी की छोटी बहन हो। खबरदार जो आचल जी के बारे में एक शब्द भी कहा, उनके जैसी लड़की होना बहुत मुश्किल है और खास तौर पर तुम्हारे लिए तो नामुमकिन। राम का आंगन कंटक उपवन, फिर भी बैठे सीता बन बन। शीतल लगे साथ पिया का नयन भिरामा, बोलिया के तरस गए नैन सिया के तरस गए नैन सिया के।
कुछ समझ में आया? पापा ने क्या गाया? मुझे समझ आया। क्या समझ में आया? ये राम जी का भजन है। बिल्कुल ठीक, ये राम जी का भजन तो है, लेकिन इस भजन के रचयिता ने, मतलब इसके कवि ने, इस भजन में क्या कहा है आप बताइए, है ना पापा? पापा कवि है ना, इसलिए पापा से पूछो। तुम ही बता दो ना चाहे। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। इस भजन में कवि ने कहा है, ये उस समय की बात है जब श्री राम जी को वनवास हुआ था और सीता जी भी उनके साथ गई थी। उस समय श्री राम जी का आंगन कांटों से भरा हुआ जंगल था। आप तो जानते हो ना कि श्री राम जी अयोध्या के राजकुमार थे। हाँ, और वो वनवास चले गए थे। शाबाश, बिल्कुल ठीक। तो कवि इस भजन में ये कहते हैं कि उस समय श्री राम जी का आंगन कांटों से भरा हुआ जंगल था, फिर भी सीता जी ने उसे कांटों से भरा हुआ जंगल नहीं माना, उन्होंने उसे श्री राम जी का महल समझा। और श्री राम जी का महल समझते हुए वो उसमें बन सवर कर बैठ गई और श्री राम जी से कहने लगी, हे राम, तुम्हारा साथ मुझे बहुत सुखद लगता है, इसलिए जंगल के कांटे भी मुझे जरा कष्ट नहीं पहुंचाते। नयन अभिरामा का मतलब है आंखों को अच्छी लगने वाली, यानी सुंदर। उसे राम पिया के तरस गए नैन सिया के। मम्मा, मुझे भूख लगी है।